दिस टायर इज ऑल्सो गोइंग टू बी चेंज विद इन अ डे. भी आते आते जर्नी में आपको सब कुछ पता चलता रहेगा कैसे और कहां से निकल चुके हैं उत्तराखंड से. टायर का काम कराते ही सीधा जो सेकंड स्टॉप होगा वो होगा चंडीगढ़. वंस वी रीच देयर तो काफी सारे अपडेट्स मिलने वाले हैं, तो बने रहिए ऑन दिस चैनल. अगर इस टायर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेटिव बात बताऊं तो ये 33 इंच टायर, रैली ऑफ रोडिंग टायर है ये बेसिकली बाय द मैक्सिस. मॉडल नेम इज बिग हॉर्न 764 और इस पे जो रिम लगा हुआ है वो है ऑफ रोडिंग रिम 15. साइज है इसका, चारों ये जो पेयर हैं ये सेम मैक्सिस के हैं बिग हॉर्न. एंड वी हैव अ एक्स्ट्रा स्टेपनी ऑल्सो जिसकी ग्रिप अभी बिल्कुल यूज नहीं हुई, देख सकते हो आप स्टॉक है पूरा. इसका भी अभी यूटिलाइज होने वाला है, वो आपको पता चलेगा कहाँ पे और कैसे. बने रहिए जर्नी में. है TRD 2015 महिंद्रा थार. काफी सारे कस्टमाइजेशन हुए हैं इस गाड़ी के अंदर जो कि आपको मैं टाइम के साथ साथ डिस्क्लोज करता जाऊँ अबाउट दिस बीस्ट. एंड इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम कि ये पंचर हुआ कीला. This has also happened before when I was going to the service center of this vehicle and that time जो tire था मेरे ख्याल से वो था ये side वाला. So I am not taking any risk. मैंने stock tires मंगा लिए हैं. That stock tire will replace these tires. बने रहिए, आपको पता चल जाएगा कहाँ से. We'll have some fruit. Good for your health. Hydrate our body really well because इसमें जो water content है बहुत ज़्यादा है. एक नया subject है that I am traveling with my mom, riding with my mom. लोग जा कहाँ रहे? चंडीगढ़. Once we reach चंडीगढ़, चंडीगढ़ के बाद जो mountainous regions आते हैं, दो ही states हैं. One is जम्मू कश्मीर and the other is हिमाचल प्रदेश. तो भाई guess कर लो कि कहाँ जा रहे हैं. Location disclose नहीं करूँगा. Once we reach there, आपको पता चली जाएगा. Weekend trip है. We are going to enjoy this journey. And mom का बहुत time से मन था. After 2019 when we went to her Shill. At that time also it was only two of us. Time pe stayed there for almost a month. But now luckily I do vlogging, I create videos. को ये journey में दिखा रहा हूँ. On which we are heading towards. 40 किलोमीटर भी cover नहीं हो पा रहे हैं. But hopefully ये चीज जल्दी sort हो जाएगी. We will get good trails, good mountain views, good natural places to explore. But till then guys we have to face this dull because you want something good. So usse pehle jo struggle you have to face that also will be on our path. This is the place you will get all the content which you need about traveling, about my lifestyle, about my day-to-day life. And trying to be more frequent on my channel because कंसिस्टेंसी बनती जा रही है धीरे धीरे. आई एम वर्किंग हार्ड ऑन माई पोस्ट प्रोडक्शन वर्क. जैसे कि मैं कोई हेल्पिंग हैंड नहीं लेता हूँ, आई डू इट ऑल बाय ओन. माई एडिटिंग वर्क, माई ट्रैवलिंग बीन सोलो मोस्ट ऑफ समटाइम्स. आई हैव बीन विद ग्रुप्स बट नॉट ऑलवेज. मेजर जर्नीज आई हैव डन लाइक लेह लद्दाख राइड, लाइक स्पीति वैली राइड, विंटर स्पीति 2019, सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वैलीज ऑफ उत्तराखंड. ये जो सारी चीजें मैंने करी एक सोलो ही करी है. या एट सम पॉइंट आई हैव बीन विद माई फ्रेंड्स विद सम ग्रुप्स बट नॉट ऑलवेज. ये सारी चीजें मैनेज करने के लिए मल्टीटास्किंग होना पड़ता है. And when you don't have a backup hand, आपका कोई अपना editor नहीं है who can help you in editing work or post production work, तो फिर आपको ये सब कुछ manage करना पड़ता है. And you have to be on one foot. एक दो साल में ये सारी चीजें सॉर्ट हो जाएं और आपको डेली बेसिस पे कंटेंट मिलना शुरू हो जाए अबाउट माई एवरी एक्टिविटी विच आई डू ऑन माई डेली बेसिस. लाइफ स्टाइल को बिल्ड करने के लिए सब कुछ प्लानिंग के साथ होता है, इतना ईजी नहीं होता जैसा आपको दिखता है. दैट आई एम गोइंग टू द माउंटेन्स एंड आई एम एंजॉइंग देयर. इट इज हार्ड वर्क दैट आई डू अ डबल जॉब बिकॉज द ट्रैवलिंग एंड देन कंटेंट विच यू हैव क्रिएटेड यू हैव टू एडिट इट. पोस्ट प्रोडक्शन का वर्क होता है एंड देन यू हैव टू अपलोड इट. ये जो वर्क है इसमें कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा शिफ्ट आपको करनी पड़ती है विदाउट आस्किंग फॉर इट. अगर आप सोलो मैनेज कर रहे हैं तो आपको खुद ही डबल शिफ्ट पे काम करना पड़ता है. दैट्स द रीजन कंटेंट अवेलेबल है. रॉ फॉर्मेट मेरे पास पड़ा हुआ है एंड जल्दी जल्दी उसको पोस्ट करेंगे और आपको अब जितना हो सके उतना ज्यादा फ्रीक्वेंटली टुडे में चीज को दिखाने की कोशिश करेंगे. होपफुली द चैनल विल grow soon. Most of the followers who are watching this channel, I know them personally. Some of them met on my journey. Some of them I know as a friend. सारे बंदे मेरे जानने वाले हैं and they support me a lot. Guys, thanks for that. That doesn't matter कि 100 followers हैं या 1000 हैं, but we'll reach 1K soon. इस चैनल पे कंटेंट की कमी नहीं होगी. We are again on roads. Struggle चालू है. Special thing that we are doing right here. Friends के साथ हर कोई travel करता है. Solo बहुत लोग travel करते हैं. With colleagues travel करते हैं. But family, वो भी specially with your mom and doing it Solo is a really special moment. फिलहाल मॉम से पूछते हैं कि कैसा लग रहा है आपको. Feeling proud. Feeling proud. So देखो भाई, I am at 20 or 21. My mom is at around 45. More than me, she has seen the world and we can do it. प्रोत्साहन दिया, मेरे को भी एनर्जी दी that I can do it with my mom. We can do it solo. We'll rock in Himachal. Yo. We'll not drink, but we'll rock. Bottoms up. We'll bottoms up from lemon soda. Yo man.
She don't drinks. Maybe I drink sometimes, but that's not the thing that we are here to talk about. थोड़े से करेंगे bottoms up. फिलहाल तो बहुत exciting होने वाला है. ऐसा कुछ मैं भी पहली बार कर रहा हूँ. My mom is also doing it first time. She has also traveled a lot. I have also been traveling from last 2 or 3 years. हाँ अभी ये थोड़ा exciting है. नहीं first time भी जब हमने करा था that was not you and me. We took a help of Sardar ji and they dropped us in Harshil. That time I didn't used to drive. Two wheeler मैं चलाता था but वो भी बहुत कम था. Of the time ऐसे ही जाते थे हम लोग. So that time Sardar ji was there, so that trip was not 100% individually done by us both. इस ट्रिप को हम कह सकते हैं, I can say that ये मस्त लगेगा, like लोगों ने सोलो करा फुल पावर. Let's see, health basis पे भी देखना पड़ेगा. She is quite fit, but still as they are older, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम लोगों को मैनेज करके चलनी पड़ती हैं. We have to take care about वो सब चीजों का ध्यान देना पड़ेगा. इफ एवरीथिंग गोज वेल वी कैन डू स्पीति ऑल्सो द वाइडलीस्ट माउंटेन रूट्स. अब तो थोड़ा लाइक कंस्ट्रक्शन वगैरह काफी अच्छा हो चुका है. हॉल से एक बार के लिए करते हैं. इट्स अ बिट लेस डेंजरस एज अटल टनल अब है. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. बाकी बने रहो इस जर्नी में. पर ये ट्रैफिक हटे तब तक के लिए फिलहाल हम लोग शांत बैठे हैं. वट वी कैन डू, गप्पे शप्पे मार रहे हैं थोड़ी बहुत. मॉम तो अपना मेडिटेशन में आत्मचिंतन कर रही है. मॉम गर्मियों का मौसम है बट झेल रहे हैं. इवन नॉट येट क्रॉस्ड पोंटा साहिब. तो इस रूट में तो नहीं होना चाहिए था इतना जाम. आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन बट ये जाम मिल गया है फिलहाल. तो एक बार जाम में फंस जाओ तो यू कैंट डू एनीथिंग. द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज यू कैन स्टेप बैक और यू कैन बी पॉजिटिव एंड स्टे काम. वेट टिल जाम गेट्स ओवर. दैट्स ऑल व्हाट वी कैन डू. एंड आई चोज द सेकंड वे. मॉम तो पहले से ही काम रहता है. दे ऑलवेज स्टे काम. एंड फिलहाल हम भी अपना धीरज बना के रखे हैं. निकल चुके हैं. वी हैव टू गो. 4:30 पे वी गॉट स्टक इन जाम. इट्स 5:30 एंड जाम अभी तक हटा नहीं है. वी आर स्टक एट द सेम प्लेस वेयर वी वर बिफोर. तो इधर काम चल रहा था. जेसीबी देख सकते हो आप. दैट वाज द रीजन व्हाई वी हैड टू वेट. गाइस फिलहाल ये स्थिति है रोड. बताओ अब क्या क्या होगा. ऐसे में कैसे पहुंचेंगे हम. हाउ विल क्रॉस चंडीगढ़. मॉम गॉड ब्लेस अस. हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाएं. ओ भाई साहब फाइनली आई एम विद माय मॉम. लाइक लव तो बनता है गाइस. फैमिली लव. जो भी अपने पेरेंट्स को लेकर ट्रैवल करना चाहते हैं एक हार्ट ड्रॉप करो नीचे. हाउ ब्यूटीफुल दिस बीस्ट इज लुक. आई हैव नॉट शोन यू इंजन बे येट बट आई एम नॉट शोइंग यू इट राइट नाउ एज वी आर गेटिंग लेट. वी वर स्टक इन जाम बिफोर पोंटा फॉर मोर देन आर. एक घंटे से हम पीछे जाम में अटके हुए थे. फाइनली वी हैव एंटर्ड द फॉरेस्ट रीजन ऑफ पोंटा साहिब. एंड कितना सही लग रहा है उधर से. सन देख सकते हो आप. सनलाइट आ रही है. और इधर अपनी थार खड़ी है 2015 मॉडल. हार्ड लाइट जो है ये देख सकते हो आप आधी कवर हो रही है. मेरे पे ना एक्चुअली टेप खत्म हो गया था व्हेन आई वेंट टू ऋषिकेश और ये मेरे को पूरा कवर करना था. इट इज रियली यूजफुल व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ ऑफ रोड और इन नाइट टाइम व्हेन यू आर इन माउंटेन. सो एक्स्ट्रा विजन के लिए ना ये बहुत जरूरी होती है बार लाइट. तो इसे रख सकते हैं बट ओनली व्हेन इट इज रिक्वायर्ड. अदर टाइम्स इसको पूरा कवर करके रखना ही एक सेफ ऑप्शन. इफ यू डोंट वॉन्ट टू गेट अ चालान ऑफ 15,000 और 10,000. इस बार लाइट को पूरा कवर करके चलिए व्हेन यू आर इन सिटीज इवन इन माउंटेन्स व्हेन इट इज नॉट रिक्वायर्ड. तो प्लीज तुम भी कहोगे दिन दहाड़े मजा. ओवरलोडेड थार है. सनरूफ है इसके अंदर. बहुत सही है. बहुत अच्छी वाइब. फ्रेश एयर मिल रही है. स्टक हो रखे थे जाम में उससे तो बहुत बेहतर है. एंड लेट्स कीप मूविंग. अंदर मॉम बैठी हुई है. आपको दिख नहीं रहा होगा रिफ्लेक्शन. बैठे रहो आप. टेंशन मत लो. अभी फिलहाल निकलना है तो बार बार फिर उतारना चढ़ाना. इस वाले सेक्शन से चढ़ना पड़ता है और इसके नीचे कम से कम 1-2 फुट का गैप है. देन आदमी वहां पहुंचता है. तो हम जैसे बंदे 21-20 वाले इजीली कर लेंगे बट 50 इयर्स ऑफ एज तो हम उन्हें ज्यादा पेन नहीं देंगे. आई सेड कि आप आराम से बैठे रहो. कोई नहीं बंद कर लो आप. चिल ऑल गुड. पहले गियर पे है. हाँ गाड़ी अपने आप चली जाएगी. टाटा सी यू सून. ठीक है बात बिल्कुल सही है. अंधेरा हो रहा है और हमको जल्दी पहुंचना है. तो फिलहाल चढ़ जाते हैं इस बीस्ट पे एंड ड्राइव करते हैं और चंडीगढ़ क्रॉस करते हैं जल्दी से. क्या थार लवर. इन्होंने जीप देखी थी रेड कलर की. उस पे इनका दिल आ गया था. शी फाइनल दैट जीप. उनका पूरा मन था लेने का बट वही एक उस टाइम की सिचुएशन. देन शी गॉट मैरिड. वो सपना पूरा नहीं हो पाया. फाइनली हम वो सपना पूरा कर रहे हैं मॉम का. थार 2015 जो कि हमें बहुत सही कंडीशन में मिल गई. ऑब्वियसली इट्स अ ऑफ रोडिंग व्हीकल. इट इज बेटर देन जिप्सी इन सम पॉइंट्स एंड पावरफुल ज्यादा है. सो मतलब सपना आपका पूरा हो गया ऑलमोस्ट. अभी आप चल रहे हो. यू विल ड्राइव ऑल्सो. ये बोल्ड नहीं कि शी विल ड्राइव बट इन्होंने ऑलरेडी कर चुके हैं ड्राइव. हाँ टेस्ट ड्राइव इन्होंने ले ली थी. तो ऐसा नहीं है इन्होंने चलाई नहीं. का सपना उसी दिन पूरा हो गया था जिस दिन ये गाड़ी आई थी. 7 बजने वाले हैं. वी हैव ऑलमोस्ट क्रॉस्ड पोंटा साहिब एंड हवा का प्रेशर आप देख सकते हो कितना सही चल रहा है. द थिंग इज राइट नाउ चालान होता है जैसे कि मैंने आपको बताया फॉग लाइट का. सो नेवर टेक इट एक्सपोज्ड इन द सिटीज. और उसके लिए जुगाड़ क्या है. उसके लिए जुगाड़ है ये ब्लैक टेप. हाँ पे ये ब्लैक टेप मैं पूरा चिपका के कवर कर दूंगा एंड व्हेन इट्स नीडेड रिमूव कर दूंगा.
प्लान है मॉम, तो कैमरा क्या है ना एक्चुअली सुनता कम, खत्म हो जाएंगे तो वापस आ जाएंगे, ऐसे जज्बे वाले लोग चाहिए हमें अपने साथ ट्रैवल करने के लिए। तो गाइस फिलहाल रात के बज चुके हैं 7:30 और स्टिल वी आर नॉट येट रीच चंडीगढ़। फिलहाल पार्टनर का हिसाब तो आपने देख ही लिया, चंडीगढ़ पहुंचते हैं फिर आपको अपडेट देते हैं। थोड़ा हेक्टिक हो गई आज की जर्नी, रात तो यही हो गई है। तो गाइस रात के बज रहे हैं 10:10, अगर आपको कहीं इतना उजाला मिल सकता है इट कैन ओनली बी चंडीगढ़ गाइस और मेट्रो सिटीज। फिलहाल इसका मतलब है कि हम चंडीगढ़ एंटर कर चुके हैं, यहाँ रात में दिन और है, सफाई बहुत है रोड्स पे, क्लीनलीनेस एज वी ऑल नो फॉर विच द चंडीगढ़ इज फेमस। बट ऑन द अदर हैंड आज जो ट्रैफिक मिला वो क्लिप तो आपने देखी चुकी होगी, तो उस कारण की वजह से क्या हुआ, द प्लान गॉट डिलेड, वी हैड टू क्रॉस द चंडीगढ़, जो इनिशियल प्लान था वो चीज नहीं हो पाई आज, बिकॉज यहीं पे हमको बच गए 10 टिल एंटरिंग द चंडीगढ़। राइट नाउ द शॉप वेयर वी वर गोइंग टूवर्ड्स, जहाँ सारा कस्टमाइजेशन का काम होना था टायर्स का और बाकी कुछ और चीजें भी थी, वो सब आपको पता चल जाएगा अपकमिंग वीडियोस में, अपकमिंग एपिसोड्स में। जैसे कि बोर्ड में आप देख सकते हो 94 है यहाँ से शिमला, पंचकुला इज अराउंड 1 किलोमीटर, पंचकुला क्रॉस करने के बाद मतलब ऑलमोस्ट वी आर इन चंडीगढ़। लाल मॉम भी काफी एग्जॉस्ट हो चुके हैं, पूरा दिन का राइड था भाई, हेक्टिक होता है, 50 इयर्स एज है, आई हैव टू लुक फॉर अ होटल सो शी कैन गेट सम रेस्ट। सो गाइस दिस इज द प्लेस वेयर वी आर गोइंग टू स्टे फॉर द नाइट, होटल का नाम जो है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में डिस्क्लोज कर दूंगा। मॉम गई है रूम पता करने के लिए एंड आई एम स्टेइंग हियर। हमने कॉल पे वैसे तो कंफर्म कर लिया था अराउंड 2500 का रूम हमें मिल रहा है, प्रॉपर्टी काफी अच्छी है। फिलहाल इस रोड पे ना अगर आप देखोगे तो काफी सारे और होटल्स भी हैं, बट वी थॉट वी कैन डू इट ऑनलाइन, सो हम ऑनलाइन बुक कर लें एंड देन वी कैन चेक इन टू द होटल, सो अवेलेबिलिटी का इशू ना आए। एंड वही चीज हुई कि लकीली हमने पहले चेक इन करने से पहले वी डिड इंक्वायरी एंड दे सेड रूम्स आर अवेलेबल, तो फिर हम इधर आ गए। बट अभी इधर मेरे को लगता है कुछ वेडिंग फंक्शन चल रहा है जिस वजह से थोड़ा क्राउड है, अदरवाइज ये होटल काफी पीसफुल स्पॉट पे। एंड गाइस नेवर ट्रस्ट द गूगल मैप्स, अभी हम गलियों से आ रहे हैं कहीं बिल्कुल रेलवे स्टेशन के पास, दैट्स अ बिग इशू विद गूगल मैप्स। अनलोड द लगेज विच यू हैव कैरीड विद यू ऑन योर जर्नी व्हेन यू रीच योर होटल। भाई ये सब लगेज अभी लेके जाना पड़ेगा, होटल के अंदर चेक इन करना पड़ेगा। शुभारंभ करो मॉम, क्लीनिंग, थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच। व्हाट्स योर नेम? प्रदीप मोहन। कहाँ से आप? हिमाचल प्रदेश। नाइस टू मीट यू ब्रो, टेक केयर, गुड नाइट। मैं काफी हेडेक फेस की हालत देख के समझ ही चुके हो गए तुम लोग। वी डिडंट हैड एनी लंच ब्रेक और एनी अदर काइंड ऑफ अ ब्रेक, स्टॉप एट टू प्लेसेस, वो भी अपना बिस्लेरी लेने के लिए। एडिटेड रखा बॉडी को एंड बाकी जो चीजें हैं। फिलहाल ही टीवी ऑन हो चुका है, फिलहाल अभी टीवी में आ रहा है हेयर ग्रोथ का सॉल्यूशन। अपने बाल तो खूब अच्छे ग्रो हो रहे हैं गाइस, तो अपन को फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। ये देखो फुल पाप, थोड़ा वापस से इंसान बन जाऊंगा राजस्थान राइड के बाद, उसके बाद से इनकी कटिंग नहीं हुई है। और ये है मैडम, देखिए सोफे पे पूरा ऑक्यूपाई करके बैठ चुके हैं, बियर मंगाना है, यही होता है अपने घर में, नथिंग। सो भाई हमारी मॉम ठहरी शुद्ध शाकाहारी नॉन ड्रिंकर नॉन एल्कोहलिक, एंड गलती से मीनू में ना एक्चुअली यहाँ पे लिखा हुआ था मूंग दाल एंड शी थॉट कि ये खाने का मीनू है, बट ये ऐसा नॉर्मल मीनू नहीं है, ये है मिनी बार। तो इसमें आपका ये जो सब कुछ लिखा है ना, सॉल्टेड पीनट वेफर स्नाइकर, ये सब है चकना। तो मॉम मैं चला नहीं रहा हूँ, वो एसी ऑलरेडी रन हो रहा है, मैं उसमें मोड सेट कर रहा हूँ कि वेंटिलेशन आ जाए आपको, कि ठंडा चाहिए आपको? नहीं। हाँ तो फिर उसमें मोड देखना पड़ेगा ना, इको मोड है ही नहीं इसमें, क्या चक्कर है एसी वेसी का? अपने घर का एसी का ही रिमोट समझ आ सकता है इंसान को, बाहर की चीजें तो समझने में कम से कम 1-2 हफ्ते लग जाते हैं, एंड दैट मच टाइम वी डोंट हैव। नहीं मॉम वो तो ठीक है ना, आपका की सिस्टम नहीं है, कार्ड सिस्टम है, बट वेयर द कार्ड स्लॉट इज क्वाइट गुड। ओ भाई वॉशरूम तो मैंने देखा ही नहीं था, अलग तो भाई है यहाँ पे गाइस, कम लग रहा है तो नीचे उसको रिसेप्शन में बोल। ये जो ट्रिप थी ये स्पॉन्सर्ड बाय माय सेल्फ थी टू माय मॉम, तो जो मैंने अपना सेविंग का खर्चा था वो मैं स्पेंड कर रहा हूँ इस ट्रिप में। मुंह धोने के लिए आया था मैं वॉशरूम में, भूल ही गया व्लॉग बनाते, एक QR कोड स्कैन करना पड़ेगा टू गेट द मेनू इस होटल का, तो भाई काफी आधुनिक चीजें इधर पे है। He didn't expect it. QR कोड स्कैनर बी अपडेटेड, एडवांस इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू दीज डेज, आजकल की जैसी लाइफस्टाइल है, देख लो QR कोड स्कैन करना पड़ रहा है मेनू के लिए तभी खाना मिलेगा, अदरवाइज अपना अगर हम पे गूगल ना होता तो क्या होता अपना।